ये पाकिस्तान की तो हो नहीं सकती। नहीं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की टैक्सी वो भी पाकिस्तान आजाद करेगा? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। माशी हालात देखें पाकिस्तान के, क्या ये पीछे आप इसकी एग्जांपल ले लें। यही एग्जांपल आपके सामने खड़ी हुई है, बस आपको यही बताएंगे कि यहाँ से पता लगता है कि देख लें ये किस तरह की इसकी शक्ल। मेरा ख्याल पेट्रोल भी नहीं पूरा होता होगा, ये किस तरह चला रहा है, बस अल्लाह के तवक्कल ही चाहती है। ये अमेरिका ने जाती नहीं, नहीं यहाँ नज़दीक ही बताएं। चाइना? नहीं नहीं। एशिया? नहीं। जापान? नहीं, ये भी नहीं। फिर आप बता दें। ये इंडिया की टैक्सी है, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी इस तरह की टैक्सी आजाद करनी चाहिए? जनता माफ नहीं करेगी। ये पाकिस्तान ने टैक्सी इंपोर्ट की थी वैसे तो। ये एयर टैक्सी है। ये टैक्सी किसने की होगी ब्रो? मेरे पापा ने। और बाकी में मुझे नहीं पता, तुम्हारे पापा इतने अमीर हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आई थिंक कनाडा ने की है। नहीं नहीं, चाइना ने की है। चाइना ने? ये फिलीपींस ने की है। मी बाओ। नहीं नहीं नहीं, चाओ नहीं। किसने की थी ये? आई थिंक अमेरिका ने की है। नहीं, अमेरिका ने नहीं की। नहीं, क्या आपको चाहिए, लगता है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की टैक्सी आजाद करनी चाहिए? पाकिस्तान से कभी उम्मीद ना रखें, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्शे गाड़ियाँ। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। पाकिस्तान में कोई बना ही नहीं सकता। नथिंग, मुझे पता ही नहीं कि कुछ आइडिया हो कि किस मतलब बना सकती है, चाइना बना सकती है, हमारे घर वालों ने, क्योंकि वैसे भी घर वाली बना सकते हैं और से बाहर के। पाकिस्तान पहली बात है, इंसान है ना ये। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत में उड़ने वाली कार का निर्माण हो रहा है, यह देखकर पाकिस्तानी लोग हैरान हैं। जो देश एक साथ आज़ाद हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आज हिंदुस्तान हमसे हजारों गुना आगे निकल गया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। भारत चांद पर चला गया और पाकिस्तान सिर्फ कोसता रह गया। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कोहिनूर का हीरा मिल गया और उसका नाम है मोदी। इसी बात पर वीडियो पर लाइक दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय